तो आप लोग का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो गाइस आज की वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं मैक अरेना। और गाइस यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ कुछ ट्रिक ट्रिप्स एंड ट्रिक्स गार्डियन प्लस मिसाइल रैक 8 को यूज़ करने की। गाइस तो ये एक बंदे ने कमेंट किया था कि उसको चाहिए, तो गाइस आज की वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, मतलब कि गार्डियन प्लस मिसाइल रैक 8 की टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ कि कैसे इनको यूज़ करने हैं, क्या क्या ध्यान रखना है गाइस, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखना। और गाइस यहाँ पर बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट तो गाइस कुछ बात करते क्यों हैं सबसे पहली टिप की। तो गाइस उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी जो टिप्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, वो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बताने वाला हूँ, मतलब कि जब से मैं खेल रहा हूँ तब से, मतलब कि एक्सपीरियंस के ऊपर बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहली टिप से कि गाइस आपको जो है इन दोनों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लेनी, मतलब कि गार्डियन और मिसाइल रैक 8 के बारे में मैं आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। शायद आपको सभी को लगभग पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो गार्डियन है गाइस, वो उसकी जो एबिलिटी है वो ये है गाइस कि वो किसी भी वेपन को या फिर किसी भी एबिलिटी को रीलोडिंग पे लगा सकता है, मतलब कि सिस्टम क्रैश कर सकता है, मतलब कि अगर उसके सामने जगरनट हुआ तो जगरनट की पूरी शील्ड मतलब कि गायब कर देगा। और जो मिसाइल रैक 8 है उसको आप वन शॉट वेपन कह सकते हो, वन शॉट वेपन, क्योंकि गाइस उसमें अगर आपने एक बार फायर बटन दबा दिया, मतलब गलती से भी दब गया, तो 6 की 6 गोलियां फायर हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से आपको केयरफुली खेलना है। तो गाइस ये थी हमारी सबसे पहली ट्रिप। यहाँ पर जो हमारी जो दूसरी ट्रिप की, अगर ट्रिप नहीं ट्रिक की बात करें गाइस, तो दूसरी ट्रिक ये है गाइस कि जब आप गार्डियन के ऊपर मिसाइल रैक 8 को लगा देते हो तो अब आप उसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, मतलब कि उसके यूज़ करने के दो तरीके, एक तो है 1 बाय 1 और दूसरा है एक साथ। तो मैं आपको दोनों ही समझा देता हूँ, दोनों की एक एक क्लिप में आपको दिखाऊंगा, फिर आपको समझा दूंगा कि कैसे वर्क करता है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं 1 बाय 1 की। तो गाइस 1 बाय 1 ज़्यादातर बंदे यूज़ करते हैं। अगर आप 1 बाय 1 आपको कब यूज़ करना है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको उसकी क्लिप दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। सो गाइस मैं आपके लिए मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड की, मतलब कि इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, और आप लोग जानते भी होंगे कि 1 बाय 1 कैसे यूज़ करना है। इसमें मैं 1 बाय 1 यूज़ करता हूँ। ये देखिए गाइस, ये मैंने यहाँ पर, अगर आपको, अगर आपने दो मतलब कि ऐसे यूज़ किया, अगर आपका ये मच्छा नहीं है, अगर आपका ये मच्छा नहीं है और अगर आपने दो दोनों साइड से चला दिया, तो फिर गाइस आपका एम, आपकी सारी गोलियां चली जाएगी। और ये देखिए गाइस, मैंने 1 बाय 1 यूज़ करके आसानी से डबल किल कर दिया गाइस, आसानी से डबल किल हो गया। मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी कम स्कोर पावर का बंदा है या फिर वीक बंदा है, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। आप ये देख सकते हो, ये भी ख़त्म गाइस, किलिंग्स भी इतनी आसानी से हो गया। और ये गाइस जगन्नाथ है, इसको भी ये थोड़ा हिल गया, बट इसको भी हम लोग मार देंगे गाइस। ये देखो गोस्ट, इस तरह से आपको यूज़ करना है। मैंने आपके लिए एक क्लिप रिकॉर्ड की है और दूसरी भी की। ये देखिए डोमिनेटिंग हो गया गाइस। तो गाइस आपको बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करना है, और गाइस ठीक तरह से एम करके यूज़ करना है, मतलब कि मेरी तरह ऐसे नहीं, ताड़ ताड़ ताड़। और इसको भी, चलो गाइस मैं एक ही गोली में बताता हूँ। देखो इस तरह से, अगर आपको, अगर वो एक साइड से ना मरे तो आप दूसरी साइड का यूज़ कर सकते हो, ये तो आपका कॉमन सेंस है, बट मुझे लगा बोलना ज़रूरी था तो मैंने बोल दिया। भाई तो रुक जाए 1 मिनट। इस तरह से गाइस आप लोग उस मैक की एबिलिटी को डाउन कर सकते हो और गाइस किल ले सकते हो। तो गाइस आपने वो क्लिप देख ली होगी। तो गाइस अब देखो इस ट्रिक का आपको कहाँ पर यूज़ करना है, जब मतलब कि आपके स्क्वाड, आपके सामने वाले बंदे हो, मतलब कि ऑपोजिट बंदे, उनकी अगर स्क्वाड पावर कम हो और काफ़ी वीक प्लेयर हो, तो आपको इस ट्रिक का यूज़ करना है, मतलब कि
मिसाइल एट को वन बाय वन यूज़ करना है, मतलब कि एक के बाद एक यूज़ करना है, ऐसा आप कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर जो दूसरी जो तीसरी ट्रिक या फिर रीत भी कह सकते हो, तीसरी जो ट्रिक है वो ये है गाइस कि आपको दोनों एक साथ यूज़ करने हैं, और उसकी भी मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोग ये भी क्लिप देख लो, मतलब कि इसकी भी आप क्लिप देख लो गाइस। इसमें मैं दोनों साइड से यूज़ करने वाला हूँ, आप देख सकते हो। ऐसे फर्स्ट किल हो गया गाइस, आप देख सकते हो इतना, मतलब कि अगर आप एम करके करते हो तो आप ऐसा मतलब कि आसानी से किल ले सकते हो, लेकिन आपका एम अच्छा होना चाहिए गाइस। तो आप दोनों साइड से यूज़ करो, आपका हो जाएगा। और गाइस मिसाइल एक एट जो है उसकी एक खास एबिलिटी है, मतलब कि एरिया डैमेज, मतलब कि उस एरिया में भी आसपास भी मैक हुआ तो वो किल हो जाएगा। ये देखिए रिवेंज किलिंग्स पे आसानी से 3 किल कर दिए गाइस इस तरह से मैंने, ये राउंड वन। और गाइस हम लोग दूसरी बार भी गार्डियन लेंगे क्योंकि मुझे क्लिप रिकॉर्ड करनी है, तो और आपको टिप भी सिखानी है गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वहाँ पर एक बंदा है, मुझे सर्दी हो गई ये आप। और गाइस आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब कि देखो मैंने ऐसा किया, मतलब कि मैंने ऐसे ही फायर कर दिया और वो बंदा थोड़ा सा ऐसा साइड में हो गया। तो गाइस आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, और भाई साइड में आ जा थोड़ा। चलो गाइस इसको एम करते, देखो गाइस इस तरह से आप आसानी से मार सकते हो, छुप कर भी यहाँ पर वेट करके भी मार सकते हो, और पास जाकर भी मार सकते हो, और कहीं से भी मार सकते हो, आगे से पीछे से कहीं से भी। और गाइस यहाँ पर देखो उस बंदे को पता नहीं क्या चुल मच रही है उसका, उसको थोड़ा ठंडा कर देते हम लोग। और गाइस इस तरह से आप किसी की भी किल ले सकते हो। और गाइस मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, फिर से गोलियां वेस्ट। तो गाइस इस तरह से आप एबिलिटी को डाउन कर सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा, और ये आपको पता ही होगा कहाँ यूज़ करना है, कहाँ कैसे कब कैसे यूज़ करना है भाई। तो शॉर्ट गन दूर रख अपनी। चलो गाइस ये भी ख़त्म, और ये भी ख़त्म। 3 भाई हट जा। ये देखो गाइस मैंने आपने पहली वाली जो ट्रिक थी उसका यूज़ किया, तो गाइस आपने वो क्लिप देख ली होगी। तो गाइस मतलब कि मान लो गाइस कि आप जब बैटल खेल रहे हो और गाइस आपके सामने मतलब कि काफ़ी हाई स्क्वाड पावर के बंदे आ गए, मतलब कि काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर आ गए, तगड़े वाले प्लेयर, तो गाइस आपको इस ट्रिक का यूज़ करना है कि आपको दोनों मिसाइल एक एट को एकदम साथ में चलाना है, और कहीं पर छुप जाना है, और उनकी एबिलिटी को डाउन कर देना, मतलब कि सिस्टम क्रैश कर देना है, और फिर फायर करना है, तो फिर वो बंदा आसानी से मर जाएगा। और ज़्यादातर गाइस अगर जगरनेट हुआ तो उनके पीछे जाकर मारिएगा गाइस आप, मतलब कि बैक से फायर कीजिएगा तो वो आसानी से मर जाएगा। तो गाइस ये थी कुछ ट्रिक्स एंड टिप। तो गाइस आप लोगों को ये ट्रिक्स एंड टिप पसंद आई होगी गाइस। गाइस कुछ ज़्यादा कुछ खास ट्रिक नहीं थी, जितनी मैं जानता हूँ उतनी मैंने आपको बताई, अगर 2-3 हुई तो भी ठीक। तो गाइस आप इन ट्रिक का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और गाइस मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन सी ट्रिक पसंद आई, और कौन सी आपको यूज़फुल लगी, और कौन सी आपने यूज़ की। तो गाइस आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, और गाइस किसी और वेपन या फिर मैक के बारे में ट्रिक्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गाइस मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में।